मित्रों नमस्कार। आज पूरी दुनिया वैश्विक महामारी की चपेट में आ चुकी है। आप लोगों से हाथ जोड़कर विनंती करता हूं, जो सरकार ने निर्देश दिए हैं कि कोई भी घर से बाहर ना निकले, उसका ख्याल करिए। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने देश के हित के बारे में जो निर्देश दिए हैं, उसका सबका कर्तव्य बनता है कि सब लोग पालन करें। आज हम लोगों के लिए पुलिसकर्मी जगह जगह पर तैनात हैं, अपने परिवार को घरदार को छोड़कर बेचारे हमारी आपकी सहायता के लिए रात दिन खड़े हैं, ड्यूटी कर रहे हैं। डॉक्टर आपकी सेवा में रात दिन लगे हुए हैं। हमारा आपका कर्तव्य बनता है कि ये तृतीय महायुद्ध है, ये तीसरा महायुद्ध है, वैश्विक महामारी, इसको हल्के में ना लें, अपने अपने घरों में रहें। सरकार की तरफ से खाने पीने की सारी सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। कहीं पलायन ना करें। उस पलायन की भीड़ में अगर एक आदमी कोरोना लेकर आता है और लाखों लाखों लोगों को संक्रमित कर देगा और देश बर्बाद हो जाएगा। आपसे हाथ जोड़कर विनंती है, आप पुलिसकर्मियों का, डॉक्टर का, सभी का सहयोग करें और इस महामारी से अपने को और अपने परिवार को बचा लें। इसमें सभी का कर्तव्य बनता है, सभी नागरिक का कर्तव्य बनता है कि आपकी सुरक्षा जान है तो जहान है। अगर आप ही नहीं रहेंगे, ये देश नहीं रहेगा। आप अपने को बचा लीजिए, अपने परिवार को बचा लीजिए और कहीं भी ना जाएं। सहयोग करें पुलिसकर्मियों का, सहयोग करें प्रशासन का, सहयोग करें। आपको सारी मुहैया दी जा रही है, सारी राशन की सामग्री, दवा। अभी तो बड़ी खुशखबरी आ रही है आप लोगों के हित के लिए, भारत सरकार ने दवा भी तैयार करना चालू कर दिया है। धैर्य की जरूरत है, आप धैर्य रखें। हमारा हिंदुस्तान महान है, महान रहेगा। आप सहयोग करिए। सभी लोगों से मेरी गुजारिश है, विनंती है, करबद्ध प्रार्थना है, अपने घरों से बाहर ना निकलें, अपने परिवार को सुरक्षित रखें, आप भी सुरक्षित रहें। धन्यवाद।